कांकेर पुलिस लाइन में रहने वाले करीब 100 परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर और स्कूल सभी की दूरी पुलिस लाइन से 5 से 8 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है, जिसमें जवानों का परिवार बड़ी ही मुश्किलों से अपने बच्चों को एक समय बस और वाहन की व्यवस्था करके स्कूल भेज पा रहा है और इसके बाद दोबारा वाहन की व्यवस्था करने फिर से शहर में ट्यूशन पढ़ने भेजना उनके बस की बात नहीं है और जिसके चलते कई बच्चे पढ़ाई में पिछड़ते जा रहे हैं। पुलिस लाइन कॉलोनी में जब समस्या बढ़ी तो मामला महकमे के अफसरों तक पहुंच गया। समस्या का हल निकालने अफसरों ने पुलिस लाइन में ही निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करा दी। इस ट्यूशन में कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पुलिस परिवार के 40 बच्चे शामिल हो रहे हैं। ट्यूशन में स्कूल की पढ़ाई के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के अलावा व्यक्तित्व विकास और पेंटिंग राइटिंग समेत अन्य विधाओं की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कब से ये कोचिंग शुरू हुआ है, कैसे शिक्षा मिल रही है आप लोगों को? ये कोचिंग 1 मंथ हो गया है और बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ आप थोड़ा सा सलाम पोल लाइन से जुड़ गए। सुशील, पुलिस वालों के बच्चों के लिए ये विशेष सुविधा जो शुरू की गई है, कितनी सुविधाएं इसमें बच्चों को मिल पाती हैं? पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कांकेर पुलिस के द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है, जहाँ पुलिस जवानों के बच्चों को ट्यूशन करने के लिए अपने पुलिस लाइन से लगभग 6 किलोमीटर दूर शहर की ओर जाना पड़ता था, जिसके चलते बहुत से पालक अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज पाते थे और बच्चों की पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं हो पाती थी, जिसे देखते हुए कांकेर एसपी के द्वारा वहाँ पर निवासरत पुलिस अधिकारियाँ हैं, उनकी पत्नियों के द्वारा यहाँ निःशुल्क ट्यूशन देने की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते वहाँ पर जवानों अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, जिससे बच्चे भी खुशी खुशी से ट्यूशन जा रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुशील एक्सप्रेस स्टेशन में टाइम कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।